अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? तो बहुत दिन हो गए थे, हम लोग ने बात नहीं करी थी, तो आइए थोड़ा सा मैंने सोचा आज आपसे बात कर लेती हूँ। तो आज का जो वेदर है ना, वो बहुत अच्छा हो रहा है और मॉनसून लगता है स्टार्ट हो चुका है यहाँ पास भी। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो अब जैसे राहत हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि वेदर चेंज हो गया है। और इसी खुशी में अप्पी ने बनाया था ब्रेकफास्ट में हमारे लिए मैगी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी, बहुत अच्छी थी। तो मैगी बनाने के बाद फिर हम लोग अपना पढ़ने बैठ गए, पढ़ के अपनी सारी काम कंप्लीट करके फिर हम लोग जब उठे हैं, मम्मी ने बनाया था फिर हमारे लिए बहुत ही टेस्टी लंच, जिसमें थी कलेजी और पुलाव, रोटी भी थी। तो दोनों रेसिपी, मैगी की भी और कलेजी की भी, दोनों रेसिपी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ने खाया डिनर। तो कलेजी खाने के बाद बहुत हैवी हो गया था, लंच हम लोग ने बहुत हैवी कर लिया था, तो उसके बाद कुछ मन नहीं कर रहा था, तो मम्मी ने फिर डिनर के लिए लाइट लाइट एकदम सोचा और बनाई खिचड़ी। और खिचड़ी जो थी वो अरहर की दाल की थी। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपने शायद ट्राई कर चुकी होगी, बट मम्मी के तरीके से ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप चाहते हैं कि खिचड़ी में भी थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आए, कि उसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाए, तो उसको मम्मी के तरीके से ट्राई करिएगा, क्योंकि हम लोग मम्मी के हाथ की भी खिचड़ी ना इतने अच्छे से खा लेते हैं, इतनी अच्छी आती है उनकी हाथ की खिचड़ी कि मज़ा आ जाता है। खिचड़ी खिचड़ी नहीं खिलाती, वो पुलाव खिलाता है हमारे लिए। खिचड़ी के साथ खट्टी मीठी पुदीने की चटनी और आम का अचार, क्या कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा आई थी खिचड़ी, इतनी डिलीशियस थी कि अरे बाप रे, मैं बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी थी। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं ट्राई किया है, अरहर की दाल की खिचड़ी को, तो ज़रूर जाइए अपने किचन में और जाके ट्राई करिए। मतलब आपका किचन तो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमारा किचन तो यहाँ पास है, तो आप जाइए और ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद बताना मत भूलिएगा कि खिचड़ी कैसी बनी। रेसिपी इतनी ईजी है इस खिचड़ी की कि अगर आप मैगी बनाना चाहते हैं तो खिचड़ी भी बना लेंगे, बहुत मज़ेदार बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके साथ पुदीने की चटनी जो थी वो तो अमेजिंग थी। ये सिर्फ खिचड़ी के साथ नहीं, आप कोई भी अपने नॉर्मल खाने में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी थी। और अगर आपने मेथी का अचार अभी भी नहीं बनाया है, तो मतलब कुछ नहीं बनाया, तो जाके अचार बना लीजिए। ऐसा अचार तो मैंने खाया नहीं, इतना टेस्टी अचार बनाया कि मतलब मेरा बोलते बोलते मन कर गया कि मैं खा लूँ उसको। तो मेथी का अचार जो है, उसकी भी रेसिपी हम लोग ने ऑलरेडी दे चुकी है, तो जाइए देखिए और बनाइए फटाफट से, ठीक है? तो अब हमारे स्कूल्स भी रीओपन होने वाले हैं, आज है फर्स्ट और फोर्थ से रीओपन हो जाएंगे, 1 जुलाई है मतलब, और फोर्थ से रीओपन हो जाएंगे, फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब खुशी भी है और थोड़ा सा मतलब एक तरीके से सैडनेस भी है कि अब फिर से बिज़ी हो जाना है अपने स्केड्यूल में पुराने वाले, और ये सारा जितना भी इन्जॉयमेंट है यहीं पास ब्रेक लगा देना है, क्योंकि अब क्लास जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीज़ें भी, मीन स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही हैं, एडवांस होती जा रही हैं, तो इसलिए अभी से लगना पड़ेगा। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया इस वेकेशंस में, हाँ किया है, स्टार्ट कर दिया है सिलेबस, और अब इंशाल्लाह हो जाए प्रिपेयर, यही दुआ है एग्ज़ाम से पहले। तो मेरी बात हो चुकी है फिनिश, और अब आप देखिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आलिया ने अभी आपको बताया कि तंजिया बना रही है मैगी, तो उसकी वो कर रही है यहाँ पे प्रिपरेशन, और आज वेदर सुबह से बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, थोड़ा बहुत बूंदें पड़ी भी हैं, लेकिन अभी प्रॉपर ढंग से बारिश शुरू नहीं हुई है। तो
कल के व्लॉग में, जैसा परसों के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा हो गई थी कि किचन में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, कहीं आना जाना, कुछ काम करना, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है, आज जब सुबह उठे हैं तब से देख करके मौसम बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही बारिश हो जाएगी, और फिर बारिश जब हो जाती है तो अपने आप सब कुछ अच्छा लगने लगता है, खाने का मज़ा, घूमने का मज़ा, हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो ऐसे गर्मी से आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि गर्मी को देख देख कर, गर्मी महसूस करके गुस्सा आने लगता है, बातें करने का मन नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं चाहता। तो ये देखिए, यहाँ पर तंजिया ने मैगी रेडी कर ली है, और आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था ब्रेकफास्ट बनाने का, हस्बैंड को बना के दे दिया, वो करके जा चुके हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे हम तंजिया और आलिया मिलके मैगी इंजॉय करेंगे। और ये देखिए, इसके बाद बाहर हम आपको दिखाते हैं, बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए, सब कुछ धुल गया है, यानी हमारे पेड़ पौधे अच्छे से धुल गए हैं और साफ साफ, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हवा चल रही है और काफ़ी ठंडा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, भीग गए? ओ हाँ। तो बस इसी के साथ अब हम करने जा रहे हैं अपना लंच इंजॉय, और यहाँ पर साथ में है मैंगो। तो जैसा कि आपने देखा होगा, लंच में हमने बनाया है कलेजी। बच्चों को कलेजी कम पसंद है थोड़ा सा, तो हमने इसमें कुछ मटन के पीसेस भी ऐड कर दिए थे, और इसकी रेसिपी हमने आपको नहीं दी है क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है पहले ही। अच्छी है। अब बारी है आम खाने की। तो यहाँ पर ये है चौसा, ये आम का नाम हम आपको बता रहे हैं। तो दशहरी है, चौसा है, सफ़ेदा है, ये हमारे यहाँ बहुत सारे आम की वैरायटी आती है, लंगड़ा है, आपके यहाँ भी आती होगी। तो ये तो चौसा है, और ये बहुत मीठा होता है,
तो आज तो बारिश की वजह से मेट भी नहीं आएगी। तो फिर हमने कहा हम सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि लंच तो बहुत हैवी हो गया है। तो बस फटाफट हमने ये सारा काम निपटा लिया और अब बारी है रेस्ट करने की। बच्चे साथ में हमारे लगे हुए थे, तो ये देखिए इतना बड़ा टास्क हो गया है कंप्लीट। और अब शाम का टाइम है, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं अरहर की दाल की खिचड़ी। तो इसके लिए हमने 2 कप चावल लिया है और 1 कप अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं, पीजन पी भी कहते हैं। तो इसे हमें वॉश करके पहले अच्छे से 1.5 से 1 घंटे के लिए सोक कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये खिचड़ी बनके तैयार होती है और इसे हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे। यानी इसे बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत होगी। अच्छे से गर्म कर लीजिएगा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। और खूब सारा लहसुन इसमें छील के डालना है और साथ में लाल सूखी हुई मिर्च। हमेशा मिर्चों को तोड़ करके ऐड करिए, क्योंकि इसमें से छींटे उठती हैं। उसके बाद सोक किया हुआ दाल चावल जो है इसमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद अच्छे से भूनना है। तो इसे अच्छे से भून लीजिए। जितना अच्छा भुनेगा खिचड़ी उतनी जल्दी अच्छी बन के रेडी होगी। साथ में थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं कलर के लिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से भुन गई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे, अगर नहीं बनाया है तो। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना ज़रूरत है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे और प्रेशर लगा देंगे। 2 प्रेशर तेज़ फ्लेम पे आना चाहिए, उसके बाद 3 मिनट कम कर दीजिए और ऑफ़ कर दीजिए। यहाँ पे पुदीना हमने धो के वॉश करके रख लिया है अच्छे से, और ये हमारे पास आम है, इसकी बनेगी आम और पुदीने की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी बनाते होंगे। तो अब तो ये मिक्सर जार में ही बनेगी, बहुत से घरों में सिल है, सिल पे भी बनाई जाती होगी। तो इसमें डालेंगे 2-3 जवे लहसुन के छील के, और यहाँ पे ये आम जो है इसे छील लेंगे पहले, उसके बाद इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये पका हुआ निकल आया, कोई बात नहीं, चलें इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, आलिया को भी दे देते हैं, तंजिया को भी। मज़ा आ गया, बड़ा ही मज़ेदार है, खट्टा मीठा। तो इस तरह से ये आम जो है खाने में बड़ा मज़ा आता है। साथ में 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, बहुत तीखी मिर्च है इसलिए सिर्फ 2 ही डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मेरे पास गुड़ है नहीं, आपके पास गुड़ है तो गुड़ डाल दीजिए। और बस इसे ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डाले हुए, क्योंकि अभी पुदीना वॉश किया है तो मॉइस्चर है। जार को वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वेस्ट ना हो। तो ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी रेडी हो गई खिचड़ी के साथ खाने के लिए। तो इधर जब तक चटनी बन रही थी उतनी देर में खिचड़ी भी हमारी रेडी हो गई। और फिर इसमें डालेंगे ऊपर से देसी घी, खिचड़ी और घी। तो बस ये है हमारी, साथ में इसके मेथी वाला अचार, आम और मेथी का जो हमने अचार बनाया था वो है, साथ में चटनी है और ये मज़ेदार सी खिचड़ी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत लाइट है, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।